बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को सबसे साफ दिल का कहा जाता है और जरूरतमंदों की हेल्प के लिए ये हमेशा खड़े होते हैं। लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो वो ये तक नहीं देखते कि उनके सामने कौन खड़ा है और बस सामने वाले पर किसी न किसी तरीके से निकाल देते हैं अपना गुस्सा। ऐसे में हम बात करने वाले हैं उन तीन बॉलीवुड स्टार्स की जिन पर सलमान ने जोरदार थप्पड़ मारकर अपना गुस्सा निकाला है। फर्स्ट इन दिस लिस्ट इज बॉलीवुड ब्यूटी ऐश्वर्या राय बच्चन। सलमान और ऐश्वर्या का झगड़ा तो बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन आपको बता दें कि दोनों के अलग होने से पहले सलमान ने ऐश के घर पर जाकर काफी ड्रामा और हल्ला किया था। इस दौरान सलमान ने गुस्से में ऐश को एक थप्पड़ भी मार दिया था। वैसे सलमान ने उस समय बहुत कुछ किया था और वो बी टाउन का एक चर्चित टॉपिक बन गए थे, जिसके बाद ऐश्वर्या और सलमान की दूरियां बढ़ती ही रही और दोनों के रास्ते अलग हो गए। नेक्स्ट इन दिस लिस्ट इज चॉकलेट बॉय रणबीर कपूर। सलमान के थप्पड़ का शिकार रणबीर कपूर भी हुए हैं, लेकिन तब जब सलमान रणबीर को जानते तक नहीं थे। जी हाँ, नाइट क्लब की एक पार्टी में सलमान ने कुछ लड़कों की लड़ाई देखी, जिसके बाद वो वहाँ पहुँचे और रणबीर कपूर को चांटा मार दिया। बता दें कि इस दौरान सलमान रणबीर कपूर को जानते तक नहीं थे। रणबीर ने घर जाकर ये बात अपने पिता ऋषि कपूर को बताई, जिसके बाद ऋषि कपूर ने सलमान के पिता सलीम को फोन किया और सारी बात बताई। वहीं सलीम ने सलमान से माफी मांगने को कहा और सलमान ने पिता की बात मानते हुए माफी मांगी भी। डायरेक्टर सुभाष घई भी इस लिस्ट में शामिल है। जी हाँ, अब बात करेंगे जाने माने डायरेक्टर सुभाष घई की। बता दें कि सलमान ने बताया था कि एक बार सुभाष ने उनकी गर्दन पकड़ ली थी, जिसके चलते सलमान ने सुभाष पर हाथ उठा दिया, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया और अब दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं।